प्लान चेंज हो गया। वो भैया कह रहे हैं अभी कुक नहीं आया इनका, तो आई गेस मुझे कल वाले अंकल के पास ही जाना पड़ेगा। एंड गाइस ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि लोकल्स हैं वो अपने हिसाब से उठते हैं और रात को यहाँ पे अंग्रेज़ उनको सोने नहीं देते 11-12 बजे तक। तो होता क्या है वो लेट उठते हैं, तो मेरे जैसे जो अर्ली ट्रैकर्स हैं उनको अपना बंदोबस्त रात को ही करके रखना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो मैं रात को ही फ्रूट्स वगैरह लेके रखता और बिस्किट्स वगैरह, बट देन अगेन फ्रूट बिस्किट से कुछ नहीं था फ्रेंड्स। हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे अंदर जब तक कार्ब्स नहीं जाते लाइक रोटी वगैरह कुछ समथिंग, तो उससे कुछ नहीं होता ऊपर जाके। फिर मैगी खाने से तो अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए, अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो मैं अभी नीचे अंकल के पास जा रहा हूँ और होपफुली उनसे हमें कुछ खाने का जरूर मिल जाएगा। क्या हाल है अंकल? गुड मॉर्निंग। बढ़िया। ओ यार कितने जाना, परौंठे नहीं बनाए, परौंठे खा के जाना। बनाओ अंकल। ट्रैवल विद गैग्स फ्रेंड्स, कुछ लोकल आ रहे हैं इनसे पूछते हैं, त्रिउंड का रास्ता यही है। मैंने ये रास्ता ले तो लिया, ये शॉर्टकट है और कोई जाता नहीं यहाँ से सिवाय लोकल लोगों के। मज़ा तो इसी में फ्रेंड्स, ऐसे रास्ते में कोई मज़ा नहीं जहाँ पूरी बारात चली गई है, तभी लोग बोलते हैं त्रिउंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर हमने इसको बना दिया मुश्किल। ये त्रिउंड को जा रहा रास्ता यही वाला जाएगा ना यहाँ से इधर को, वो झरना है उधर, ठीक है जी। चलो सुन के अच्छा लगा, मौसम मिला कि सही रोड है। जब भी आए ट्रैक पे आपको गर्मी लगे तो आप उसको जैकेट को जिप डाउन कर सकते हैं, उन्हें खोल लो जैकेट में हवा लग जाएगी, बट अगर तो उतार दोगे तो पूरी बॉडी में हवा लग जाएगी। ज़्यादा डूज एंड डॉन्ट्स। और मैंने अपने साथ अंकल से इस रूट पे कोई मैजिक कैफे नहीं है, जब का गूगल में डालोगे त्रिउंड तो आपको दिखाएगा मैजिक कैफे दिस और दैट, पर इस रूट पे वैसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आप देख रहे हो वीडियो में आइसोलेटेड है। दिस इज व्हाट वी नीड फॉर आवर चैनल। ओके ओके, आई गेस ये बारिशों का ही कुछ निकल के आ रहा पानी इस पार्ट में, तो कुदरत अपना रास्ता बनाई देती है। तो यही झरना नीचे पानी होगा।
लिए तो हेल्प कर आई, तो मेक श्योर के साथ, यू विल सी द माउंटेन्स विद द आइस। और ये देखो, लोग सुधरेंगे नहीं, जहाँ बैठे वहीं गंद मचा दिया, क्या होगा यार लोगों का। इसी चक्कर में वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको लिखवाना पड़ता है कितनी बॉटल्स, कितने पैकेट बिस्किट, कितने चिप्स, क्या क्या लेके जा रहे हो, उसका रैपर और खाली बॉटल सब लेके जाना पड़ेगा वापस। वरना आपको पता ही है इंसानों का हाल, त्रिउंड में भी प्लास्टिक का ढेर लगा देंगे। ओके, सो मैंने कुछ नहीं लिया खाने के लिए सिवाय एक परांठे के, परांठे का कोई वेस्ट नहीं होता, वो उससे मैं लंच करूँगा। सुबह का नाश्ता धर्मकोट में, दोपहर का लंच त्रिउंड में, और रात का डिनर भगवान जाने। चलो साथियों, बर्फ तो अबर गंदी है। घर बैठे आराम नाल मोबाइल तो देख रहे हो, धान तो हमारी बिजली जो सीन आप लोग देखने वाले हो ना, थोड़ा
आ गया था। आके फिर मैं थोड़ा नहाने के बाद में रेस्ट किया एंड लेग्स वगैरह बॉडी बहुत पेन हो रही थी क्योंकि मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है एंड ड्राइव करना है, तो मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद में अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाय बाय। हॉस्टल काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ अंकल के पास में क्योंकि खाने से पहले कुछ जाने से पहले कुछ खा लें क्योंकि मैंने कभी आने के बाद में कुछ खाया नहीं है। दोपहर से ही बस नहा के मैं लेट गया था क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, तो अभी बस नीचे। और वो फ्रेंड्स जो पराठे पैक करवाए थे सुबह वो भी यहीं रह गए थे, वो भी मैं भूल गया। वो सुबह वो इजराइली लेडी उसके चक्कर में उसकी चाय बनाता ना था अपने पराठे भूल गया। हेल्पिंग नेचर। एनीवेज ट्रिप बहुत अच्छा था, दो दिन के अंदर अंदर एज मच एज आई कैन आई हैव कवर्ड। सो उतरना मुश्किल है, चलते हैं अंकल की दुकान पे। जी फ्रेंड्स, पहुंच गए मैं अंकल के कैफे और हम हिमाचल स्टाइल में नीचे बैठ के, और ये टेबल छोटा सा, ये खाना। अभी मैं सिंपल खाने खा रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल करना है, तो ज़्यादा कुछ मज़ेदार वाली ऐसी नहीं खा रहा, कुछ पराठा पराठा कुछ भी लाइट खा रहा हूँ सो दैट आई कैन ट्रैवल ऑन बाइक। और ये पीयूष जिसने दो दिन मेरे खाने का बहुत अच्छा ध्यान रखा। पीयूष हाय बोल दे। तो चलो खाते हैं फिर निकलते हैं। ओके चलो। ओके फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ की तरफ एंड बाय बाय धर्मकोट, मौका मिला तो दोबारा आएंगे। और देखते हैं, 5-6 घंटे लगने चाहिए क्योंकि ढलाना है, बट आई विल ड्राइव स्लो। और मिलते हैं फिर आपको घर पे।